हैलो एवरीवान पांडेन आई वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेनली चैनल वे यू गेट कंप्लीट सीबीएसई कोर्स फ्रॉम गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ एन टी एस सी ओलंपियाड और सभी स्टेट बोर्ड के वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बुक वाइज चैप्टर्स ही साथ में राइटर्स के एक्सप्लेनेशन और ये सब कुछ मिलता है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली ऑन मैग्नेट ब्रीन्स यानी कि हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के यहाँ पर आपको दो लेक्चर्स देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता

जस्ट क्या करना है एक बार रिकॉल कर लेना है सारा कुछ एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ा क्या था मान लो एग्जाम का बिल्कुल टाइम आ चुका है और अब आपके पास में टाइम नहीं है पढ़ने का लेकिन हमको एक रिकॉल करना है एक बार रिवाइज कर लेना है है कि क्या पढ़ा था तो आपके लिए ये फास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या सारी चीजें पढ़ी एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं सो so, देखो बेसिकली हम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वहां पर किस तरह से चेंज हुआ है किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है तो सबसे पहले जानेंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती क्या है क्या में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ क्या सारे प्रोसेसेस थे क्या सारी स्टेजेस थी उसका क्या इम्पेक्ट था साथ ही साथ में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन क्या है लिबरलाइजेशन क्या है और इन दोनों के साथ में जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं उनमें किस तरह का चेंजेस आया है ये हम समझेंगे वर्किंग कंडीशंस पीपल हाउ दे फाइंड जॉब हाउ दे डू जॉब यानि कि लोग जो है उनको वर्क कैसे करना होता है कैसे उनको जॉब मिलती है वर्किंग uh, कंडीशंस कैसी होती हैं साथ ही साथ में स्ट्राइक्स ट्रेड यूनियंस ये सारा कॉन्सेप्ट जो है क्या है रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ये हम जानेंगे इन शॉर्ट ठीक है ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज से कि एक्जैक्टली exactly जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती है वो कैसी होती है वट आर द इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी सो इन द व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स इमाइल एंड मैक्स वेबर ये क्या बोलते हैं दे एसोसिएटेड मेनी सोशल फीचर विद इंडस्ट्री ये जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को एनालाइज करते हैं और इंडस्ट्रियल सोसाइटी से बहुत सारे जो है सोशल फीचर्स जो है रिलेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं अर्बनाइजेशन ना अर्बनाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लियर है यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो टाउन सिटीज ये सब सेटअप होना स्टार्ट होते हैं वहां पर फैसिलिटीज मिलती है एंड इन सर्च ऑफ जॉब पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया और इस तरीके से क्या होता है अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट होता है लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप्स यानी कि जो फेस टू फेस रिलेशनशिप्स होती हैं कि जो है मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जो रूरल सोसाइटीज होती हैं वहां पर बहुत ही हाईली पर्सनल रिलेशनशिप्स हमको देखने को मिलती है और इन शॉर्ट प्राइमरी रिलेशनशिप्स

डिवीजन ऑफ लेबर अब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है यानी कि यहां पर जो वर्क होगा जो लेबर होंगे वो डिवाइडेड होंगे डिवाइडेड के सेंस में होंगे कि जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्टाइज है जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट एरिया होगा उस फील्ड में जो है उनको वर्क दे दिया जाएगा एंड दे हैव टू डू ओनली दैट वर्क सिर्फ वो उतना ही काम करने वाले हैं देन नेक्स्ट ग्रुप होगा जो जिसमें एक्सपर्टाइज होगा उन्हें वो काम दे दिया जाएगा सो so, इस तरीके से जो लेबर है उसे वर्क में डिवाइड पहले तो वर्क को डिवाइड किया जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक है तो इसको divide कर दिया छोटी छोटी steps में कि पहले होगी 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 और कुछ ग्रुप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं कुछ हैं जो ये सेकंड स्टेप कर रहे हैं कुछ हैं जो थर्ड स्टेप कर रहे हैं तो इस तरह से क्या हो रहा है कि काम को भी डिवाइड कर दिया है लेबर को भी डिवाइड कर दिया इससे क्या होगा जो वर्क है वो टाइमली मैनर में हो पाएगा ठीक है, टाइम रहते जो वर्क है वो आप कंप्लीट कर पाओगे और आपको जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एलिनेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें एलिनेशन देखने को मिलता है किस तरह का एलिनेशन हमें देखने को मिलता है आपने पहले पढ़ा होगा सो द एलिनेशन फ्रॉम नेचर फ्रॉम योर फ्रूट्स ऑफ लेबर Alienation from each other and alienation from themselves. Ye, four types of alienation. या चार तरह के एलिनेशन जो है हमको कार्ल मार्क्स ने बताए हैं कि एलिनेशन कैसे होता है कि आप अपने नेचर से अपने सराउंडिंग से अपने आसपास के लोगों से ही बहुत दूर हो जाते हो क्योंकि आप अपने उस काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास में टाइम ही नहीं होता लाइफ कैसी हो जाती है बहुत ही बिजी लाइफ हो जाती है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जहां आपको सिर्फ अपना काम करना है अपना काम करना है अर्न करना अपने घर को चलाना है आपके पास में बहुत सारा टाइम नहीं होता है कि आप Enjoy कर सको लाइफ को और आप अपने जो है डिवाइडेड मतलब है।, तो है, है, है।, है? है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ये कोई वर्क है इसमें थ्री स्टेप इंक्लूडेड है ये ग्रुप इस स्टेप को कर रहा है ये ग्रुप इस स्टेप को कर रहा है ये ग्रुप इस स्टेप को कर रहा है आपको जैसे ये जो ग्रुप है वो ये या ये स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको एक ही काम जो है बार बार करना है तो रिपिटेटिव वर्क होता है जो वर्कर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं तो इस तरीके से अपने नेचर से अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर से यानी वो क्या लेबर दे रहे हैं क्या प्रोड्यूस हो रहा है इवन एक दूसरे से भी एलिनेट हो जाते हैं बहुत अलग हो जाते हैं एंड फाइनली एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे आर एलिनेटेड फ्रॉम देम सेल्व वो अपने आप से भी बहुत ज्यादा एलिनेटेड हो जाते हैं तो ये हमको नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के इकोनॉमिक इक्वालिटी हमको जो है यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक इन भी देखने को मिलती है जैसे फॉर एग्जांपल सोशल इन तो है ही साथ ही साथ में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नॉट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो ये कंसेप्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये हमको इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में देखने को नहीं मिलता है स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल्स की वुमेन की तो जो है उन्हें फॉर दिस सेम वर्क दे आर नॉट पेड सेम ठीक है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इनके लिए नहीं होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है मतलब द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअर तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हमको देखने को मिलती है सोशल इनइक्वालिटीज भी होती है लाइक क्लास बेस्ड इन है कास्ट बेस्ड इन होती है वो सारे कंसेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं मॉडर्नाइजेशन uh, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ वे टू मॉडर्नाइजेशन जहां आप मॉडर्नाइज होगे आप जो है न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करने वाले हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाला है साथ ही साथ में जो है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसमें भी एडवांसमेंट होने वाला है आपके जो थाट्स होंगे उनमें भी मॉडर्नाइजेशन होगा यूनिवर्सल वैल्यूज की हम बात करेंगे हम जो है वर्क पर फोकस करेंगे हम साइंस की बात करेंगे तो जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो एन इमेज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी सो बेसिकली इंडस्ट्रियल क्या होती हैं वो एक चीज हमने अभी यहाँ पर रिकॉल कर ली अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया से इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कैसे होता है अब इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सबसे पहले स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली स्टार्ट से होता है uh, क्या स्पेसिफिक है इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके इंडियन इंडस्ट्रीज कैसी हैं इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या एक चीज है वो आपको यहाँ फर्स्ट फेज में देखने को मिलेगी ठीक है हमने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया इंडिपेंडेंट कब हो, जा, हो जाता है नाइनटीन में अब 1947 के बाद के कुछ इनिशियल ईयर्स जो होते हैं उसमें हमें जो है कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है एक जो एजेंडा होता है या जो भी इंडियन uh, नेशनलिस्ट होते हैं उनकी क्या प्लान्स होते हैं नेशनलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर देन द थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन हुआ लिबरलाइजेशन हुआ तो इंडियन इंडस्ट्री में किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं एंड एलपीजी वॉज अडॉप्टेड

ओके देखो ओके सो द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल आपने चैप्टर वन पढ़ा आपने स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ा आपने देखा कि जो कॉलोनियल रूल था जो कॉलोनाइजेशन था उसकी वजह से इंडियन इकोनमी में हमको बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसमें से हमने दो चेंजेस को डिस्कस किया एक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्कस किया एक हमने अर्बनाइजेशन को डिस्कस किया अब जो है ये सारी चीजें चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चाहे अर्बनाइजेशन हो इन इनके जो इम्पेक्ट्स थे या इनके जो कॉन्सिक्वेंस थे वो इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न सोसाइटी से डिफरेंट थे कारण क्या था इंडिया कॉलोनियल रूल चल रहा था ओके okay. अब ओवरऑल अगर इन सारी चीजों को समझें तो जो वेस्टर्न मॉडल था इंडस्ट्रियलाइजेशन का और जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट किया जाता है सो तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें सिमिलर भी थी और कहीं पे कुछ चीजें जो है डिफरेंट भी थी मतलब आपको यहां पर सेमनेस भी देखने को मिलेगी यहां पर आपको चीजें डिफरेंट भी देखने को मिलेंगी डिफरेंट और सेम किससे है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो वेस्टर्न मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का उससे अब अगर हम इस वेस्टर्न मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करें सो बेसिकली देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि इकोनमी के थ्री सेक्टर्स होते हैं ठीक है क्या होते हैं थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या जिन्हें हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं कौन से होते हैं ये तो एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर ये आपके पास में नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए आप मेरे साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज से भी जो है आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और आप बहुत इजीली इनको जो है एग्जाम टाइम में रीड कर सकते हो ओके देन सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड द लास्ट वन इज टर्जरी सेक्टर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है मैंने भी आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से वो वापस से जो है हमने जो कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन किया है टॉपिक वाइज उसको आप अच्छे से देख सकते हो सो so, ये जो है थ्री सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी के टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर ठीक है अब क्या होते हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड सो प्राइमरी इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर इज अबाउट एग्रीकल्चर अग्रेरियन इकोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं इसे प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज ओके जहां इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सारी चीजों की बातें होती हैं, इंडस्ट्रियल हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया आपका ये माइनिंग हो गया ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगी एग्रीकल्चर आपको पता है किस किसकी बात कर रहे हैं हम टर्जरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन सर्विस सेक्टर जहां हम बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने की जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा कम्युनिकेशन आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन और इसी के साथ में जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो जैसे एजुकेशन है हेल्थ है ये सारी चीज़ें आपके सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती हैं और टर्जरी सेक्टर तो ये क्या हो गए ये थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनमी होते हैं फर्स्ट इज अबाउट एग्रीकल्चर सेकेंड इज अबाउट इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज अबाउट इंडस्ट्रीज में क्या आ आई इंडस्ट्रीज आ गई फैक्ट्रीज आ गई आपके माइनिंग आ गया मैन्युफैक्चरिंग आ गया मैनुफेक्चरिंग सर्विस सेक्टर में क्या आ गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया कनेक्टिविटी हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्राट्रा ये सारे हो गए आपके थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन जनरल सभी जगह होते हैं अब हम बात कर रहे थे स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे हम दो तरह से समझेंगे एक हम समझेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में एक हम समझेंगे इंडिया में इंडिया कैसी कंट्री है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री ओके okay. इंडिया क्या है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बाकी हम कंपेयर करने वाले हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में हमने कहा कि हम वेस्टर्न मॉडल की बात कर रहे हैं वेस्टर्न में मोस्ट ऑफ कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज अब जो डेवलप्ड कंट्रीज का एक कंट्रीब्यूशन होता है ये सेक्टर वाइज जो हमने अभी इकोनॉमी को पढ़ा सो सर्विस सेक्टर फिफ्टी टू सिक्सटी अच्छे से एस्टेब्लिश होता है मतलब मेजोरिटी जो है वो कहाँ काम कर रही है सर्विस सेक्टर में काम कर रही है ंडस्ट्रीज थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट यानी कि फॉलोड बाई सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेटली टेन परसेंट पॉपुलेशन एम्प्लॉयड मतलब की जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए अगर हम बात करें यूएसए की सो so वहां पर जो एग्रीकल्चर है दैट इज ओनली टेन परसेंट फॉर एग्जाम्पल यूएसए ठीक है एग्रीकल्चर कितना है सिर्फ टेन परसेंट मेजोरिटी कहां पर एम्प्लॉयड है सर्विस सेक्टर में मेजोरिटी जिसे हम अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं मेजोरिटी है तो मतलब 50 प्लस है तो हम 60% परसेंट अप्रोक्स मान के चल रहे हैं एंड दिस इज फॉलोड बाई इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब 30% परसेंट तो इस तरह से जो टोटल वर्कफोर्स है वो कहां काम करी सबसे ज्यादा काम करी सर्विस सेक्टर में इसके बाद में इंडस्ट्रीज में इसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें आप डेवलप्ड कंट्रीज में आ चुके हैं आप डेवलप्ड हो चुके हो अब आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें लाइक हेल्थ होगी एजुकेशन होगी आपका जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है आपकी टेक्नोलॉजी है ये सारी चीजें बहुत अच्छी है बहुत ही एडवांस्ड है इंडस्ट्रीज आपके यहाँ थर्टी परसेंट है मैन्युफैक्चरिंग मतलब वगैरह ये सारे जो सेक्टर हैं दैट थर्टी परसेंट इतने पीपल पर एम्प्लॉयड है टेन परसेंट एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर का जो है, है, जो है वो बहुत ही कम है इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही कम है अब हम अगर बात करें इंडिया की सो इसका अपोजिट हो जाता है इंडिया में इंडिया में क्या एक कॉन्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है सो देखिए इट इज 43% परसेंट इन प्राइमरी सेक्टर ये कुछ साल पहले का डेटा दे, है मतलब अप्रोक्सीमेटली 2011 थाउजेंड इलेवन की अगर हम बात करें 43% परसेंट प्राइमरी सेक्टर 32% परसेंट सर्विस सेक्टर 17% परसेंट सेकेंडरी सेक्टर यानी कि 43, थ्री सेवेंटीन इट्स इट्स फोर्टी थ्री एंड ठीक है, यही देखा ना अभी हमने फोर्टी थ्री थर्टी टू एंड ये किसका डेटा है ये है आपके इंडिया का डेटा यानी कि फोर्टी थ्री परसेंट पीपल एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड ये हम बात कर रहे हैं आप मान के चलिए कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं टू थाउजेंड सेवेंटीन नाइनटीन अप्रोक्सीमेटली इस एक टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं यानी कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आते आते तक जो है फोर्टी थ्री परसेंट पीपल एग्रीकल्चर में है सेवनटीन परसेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं एंड थर्टी टू परसेंट हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर है यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में फॉलोड बाय टर्जरी सेक्टर वो भी अभी अभी के टाइम में एंड देन फाइनली सेकेंडरी सेक्टर ये कब की बात है 1719 यानी बहुत ज्यादा साल पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर हम बहुत पहले की बात करें मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंस के टाइम के आसपास की तो ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा होता है इट इज लाइक प्राइमरी सेक्टर में कितने पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है तो अराउंड सेवेंटी परसेंट सर्विस सेक्टर अराउंड 15, सर्विस सेक्टर इज अबाउट थ्री टू फोर परसेंट थ्री टू फोर परसेंट एंड दिस अबाउट ट्वेंटी परसेंट फॉर मतलब एक अप्रोक्स अगर हम लेके चलें तो यानी यूर मोर देन हाफ ऑफ दॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर बिकॉज इंडिया इज अग्रेरियन इकोनॉमी प्राइमरीली इंडिया जो रही है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है सेवेंटी परसेंट से भी ज्यादा पॉपुलेशन मतलब और स्टार्टिंग से और पहले से बात करें कॉलोनियल टाइम से अगर हम बात करें तो नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन इज इंगेज इन योर एग्रीकल्चर ठीक है धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे आपने जो है सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस करने स्टार्ट किया इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस करने स्टार्ट किया जब ब्रिटिशर्स आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इट इज अराउंड 20 टू 25 परसेंट एंड 3 टू 4 परसेंट सर्विस सेक्टर यानी ये हमारा जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ करता था ठीक है और अगर हम बात करें 2018, 19 इस एक टाइम पीरियड की सो so अभी का जो डेटा है दिस इज लाइक फोर्टी थ्री एग्रीकल्चर में आज भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है धीरे धीरे हमने हमारे सर्विस सेक्टर को ग्रो किया है वो 32% परसेंट है दैट इज अ पॉजिटिव मार्क और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सेवेंटीन है ठीक है ये एक जो डेटा हमको देखने को मिलता है ये कहाँ का डेटा हो गया आपके इंडिया का डेटा हो गया अब अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ सो दैट इज टोटली अपोजिट जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यूएसए में जो है टेन परसेंट एग्रीकल्चर थर्टी परसेंट इंडस्ट्रीज एंड सिक्सटी परसेंट इज इन सर्विस सेक्टर तो अगर हम इनके इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है टर्जरी सेक्टर देन इसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर एंड देन इसके बाद में प्राइमरी सेक्टर इंडिया का डेटा हमने देखा सब सबसे ज़्यादा कहां पर जो है मेजोरिटी एम्प्लॉयड है सो दैट इज़ इन एग्रीकल्चर फोर्टी थ्री परसेंट अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए तो देखने को मतलब देखने से लग रहा है कि फोर्टी थ्री परसेंट अगर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है तो एग्रीकल्चर से ही सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बट ऐसा नहीं है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो इकोनॉमिक ग्रोथ में है वो है टर्जरी सेक्टर का इसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर का एंड इसके बाद में प्राइमरी सेक्टर का यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है और जहां थर्टी टू परसेंट है वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है उससे कम है इंडस्ट्रीज का एंड उससे भी कम है एग्रीकल्चर का सो so, ये जो एक चीज है ये बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा जहां पर पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ वहां से ही हो रही है सो so ये क्या एक चीज दिखाती है कि जो है इकोनॉमी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट अब एक और सेकेंड क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि जो है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन कि वेस्टर्न कंट्री से इंडियन कंट्री किस तरह से डिफरेंट है ये एक चीज हमने देखी दूसरी कितने लोग रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है यानी कि जिनको जो है रेगुलरली सैलरी मिल रही है इसकी अगर हम बात करें तो जो है दो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं वो दोनों अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें सो so, जॉरिटी जो है वो फॉर्मरली एम्प्लॉयड है यानी मोर देन नाइनटी परसेंट पीपल जो है दे आर फॉर्मरली एम्प्लॉयड वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं कहा काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में अब वहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में 90 परसेंट से ज्यादा पीपल इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और इसके अलावा जो 52 परसेंट हो गए वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि मतलब इसी इनफॉर्मल सेक्टर में से अगर हम बात करें तो 52 परसेंट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं खुद से अपना बिजनेस वगैरह जो है रन कर रहे हैं और इस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं ट्वेंटी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है यानी कि बहुत कम हाफ से भी हाफ जो पॉपुलेशन है उसमें से भी कम लोग रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है जिनको जो है रेगुलर सैलरी मिलती है ट्वेंटी कैजुअल लेबर की तरह काम करते हैं यानी कि ज्यादा लोग कहां है इनफॉर्मल सेक्टर में और डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा लोग कहां फॉर्मल सेक्टर में so ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर जो है बेसिकली क्या एक चीज होती है सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर अब ये दो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के तो जो फॉर्मल सेक्टर हो गया आपका दैट इज एम्प्लॉइंग टेन और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर जितनी भी यूनिट्स हैं वो दस या उससे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है पूरे एक साल में रजिस्टर्ड विद दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड होती है ये जो भी मतलब कोई भी अगर फॉर्मल सेक्टर खुल रहा है तो उसे गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज गेट प्रॉपर सैलरीज वेजेस पेंशन अदर बेनिफिट जो भी इनके एम्प्लॉयज होंगे जो भी यहां पर काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में उन्हें रेगुलर सैलरी भी मिलेगी वेजेस जो भी मिलते हैं और जो पेंशन बेनिफिट हैं वो भी उन्हें मिलेंगे और जो भी अदर बेनिफिट होते हैं वो सारे उनको मिलने वाले हैं इसमें से कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आपका अनऑर्गेनाइज या इन फॉर्मल सेक्टर होता है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको दस या उससे ज्यादा लोग पूरे एक साल में एम्प्लॉय करने ही करने है आपको गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर होना ही है नहीं रजिस्टर नहीं होते गवर्नमेंट के साथ में यहां पर प्रॉपर सैलरी मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात है pension और other benefits तो होते ही 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 नहीं हैं। तो so, जो सेक्टर हो वो कैसे है? ना ना किसी किसी तरीके का कोई लगता है, है। उन्हें भी तरह की government monitor करती है। तो ये होते हैं आपके इनफॉर्मल या सेक्टर। और जो होते हैं वो आपके ये होते हैं ये ना ही गवर्नमेंट के साथ में है रजिस्टर्ड है ना ही प्रॉपर सैलरी क्लियर है यहां तक आया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ में और स्पेसिफिसिटी इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्जैक्टली exactly इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके का है अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया में वो कैसे होता है सो so, देखो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है सो इंडियन नेशनलिस्ट जो होते हैं सबसे पहले तो जो इकॉमी का इतना ज्यादा एक्सप्लाइटेशन हुआ होता है जो इनईक्वालिटीज होती हैं इकॉनमी में उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं सो so, वो क्या जैसे कि हमने पहले भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो एक प्लान अडॉप्ट करते हैं कि कैसे हम जो है इस पूरी इकोनॉमी को जो है इसकी ग्रोथ करें कैसे इसका डेवलपमेंट हो कैसे इक्वालिटी आए तो वो बोलते हैं कि हम ना जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं अगर हम रैपिड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो बहुत जल्दी जो है हम इन सारी चीजों से रिकवर हो पाएंगे और इसके लिए जो है प्लानिंग कमीशन बनती है और उसके पहले जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है 1938 में ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई होंगी आपको याद होगा अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली क्या सारी चीजें होती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके सो देखो गवर्नमेंट टू को ओवर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकानमी क्या होता है uh, जो भी कमांडिंग हाइट्स होती है इकॉनमीमी की जो भी मेजर सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया पावर हो गया इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी डिफेंस ये ट्रांसपोर्ट है इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट क्या करती है अपने अंडर में ले लेती है इंडिया अडॉप्टेड मिक्सड इकॉनमी पॉलिसी और इंडिया मिक्सड इकॉनॉमी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है अभी हम किसकी बात करें जो इंडिपेंडेंट इंडिया है तो मिक्सड इकानमी पॉलिसी में क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं पब्लिक सेक्टर भी होता है यानी कि गवर्नमेंट भी होती है प्राइवेट पीपल भी होते हैं यानी कि जो कि जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म वगैरह ना ही हम फुल ऑन कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ना ही हम ये कह रहे हैं कि सारा कुछ जो है गवर्नमेंट अपने पास में ओन करके रखेगी कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास रिजर्व होंगे कुछ सेक्टर्स ओपन कर दिए जाएंगे प्राइवेट पीपल के लिए कि वो भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें गवर्नमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी टू इंश्योर इंडस्ट्रीज स्पेड ओवर डिफरेंट रीजन्स गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है स्टार्ट करी कि अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू क्या हो रहा था कि डिफरेंट रीजन्स में अब इतना बड़ा इंडिया है ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ ही रीजन्स में जो है इंडस्ट्रीज लगें और कुछ रीजन्स में ना लगे तो वो क्या चाहते थे कि इक्वली सभी जगह पर इंडस्ट्री सेटअप हो इसके लिए उन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसी इस्टैब्लिश करी थी पहले जो है इंडस्ट्रीज वगैरह पोर्ट सिटीज़ के पास में करती थी लेकिन धीरे-धीरे जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या सेंटर्स बनना स्टार्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बड़ौदा हो गया पुणे है फरीदाबाद एक्सेटा एक्सेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स एस्टेब्लिश होते हैं गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल सेक्टर को एंकरेज करती है स्पेशल इंसेंटिव्स और असिस्टेंस प्रोवाइड करके जहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे मतलब बेनिफिट्स दिए जाते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर्स को टैक्सेज जो है उन पर से हटा दिए जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स पर से ताकि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो ग्रो कर पाए अब स्मॉल स्केल सेक्टर को क्यों ग्रो करना था सो so, बेसिकली जो सेक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं एक हो गया स्मॉल स्केल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक हो गया मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज और साथ ही साथ में लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेज भी होते हैं ये अपने इन्वेस्टमेंट लेवल से जाने जाते हैं कि, कि कितना जो इन्वेस्टमेंट है या कितना जो है कैपिटल इनमें लगा हुआ है तो जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उसको इंक्रेज करती थी गवर्नमेंट उसको इंकरेज इसलिए करती थी क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेस थे ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे और ये जो है एक तरीके से इकोनॉमी का बेस थे क्या थे इकॉनमी का बेस थे अगर हम 1991 की बात करें, तो अराउंड को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कुछ इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी इनिशियल फेज में स्टार्ट होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस और ऐसे जो है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट करती है धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना स्टार्ट करती है नाउ

वो क्या बन जाएगा वो एक सिंगल मार्केट की तरह काम करेगा जब ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है और साथ ही साथ में क्या अडॉप्ट करती है प्राइवेटाइजेशन यानी कि अब जो है प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा तो जब ये पॉलिसीज होती हैं तो किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं एक एक करके अब हम इसको समझते हैं सो देखो गवर्नमेंट एंडेड इट्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है जो उसकी लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी पॉलिसी थी थी उसको थी, उसको खत्म कर कर देती देती है है बंद जैसे क्या थी? कि आपको जो है इंडस्ट्रीज अगर सेटअप करनी है तो पहले आपको लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा ताकि सभी जगह पर इंडस्ट्रीज बन सके ये प्रोसेस पूरा 1991 तक चला फिर गवर्नमेंट ने क्या करा लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म कर दिया कि अब आप जो है बिना लाइसेंस को एक्वायर करें इजीली इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करो इससे क्या होगा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ज्यादा से ज्यादा जॉब होंगे डेवलपमेंट तेजी से होगा ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होगी हम पूरे मार्केट के साथ में कंपीट करेंगे जैसा हमने सेम चैप्टर फोर में पढ़ा था हमने वहां रूरल सोसाइटी को लेकर पढ़ा था यहाँ हम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं सो जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा

इंडियन कंपनीज एमएंसी बन रही हैं मल्टी नेशनल कंपनीज बन रही हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो है क्या कर रही हैं ट्रेड कर रही हैं मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए एज अ सेंटर बन चुकी हैं बहुत सी एमएनसीज हैं मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में आके सेटअप हो रही हैं तो ये एक पूरा जो है सिनारी हमको देखने को मिल रहा है प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है जैसे पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स अपने पास में रिजर्व करके रखे थे गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा जो है कुछ कुछ सेक्टर्स को फ्री करना स्टार्ट किया उन्हें भी ओपन कर दिया किसी चीज के लिए कि वहां भी प्राइवेट सेक्टर जो है

प्राइवेटाइजेशन की जो है जहां पर प्राइवेट पीपल को आप इनवाइट करो वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके और फिर जो है सारी चीजें अच्छे से चले फ्लरिश हो पाए इकोनॉमी जो है ग्रो कर पाए तो इस तरीके से जो है प्राइवेटाइजेशन आना स्टार्ट होता है गवर्नमेंट क्या करती है डिस इनवेस्टमेंट भी करती है डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है जहां पर जो पब्लिक सेक्टर है या जो गवर्नमेंट है वो अपने पब्लिक सेक्टर को सेल आउट कर रही है उसके कुछ शेयर्स को सेल आउट करना या पूरा का पूरा सेल कर देना किसको प्राइवेट को यानी कि पब्लिक से क्या बन रहे हैं प्राइवेट की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट जहां पर गवर्नमेंट uh, के शेयर्स लगे हैं गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो है वापस ले रही है अपने शेयर्स को सेल आउट कर दे रही है और किसको कर रही है प्राइवेट पीपल को तो इस तरह से क्या हो रहा है डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है यानी कि जो सेक्टर्स अभी गवर्नमेंट के पास में थे अब उसमें प्राइवेट पीपल इन्वेस्ट कर चुके हैं या प्राइवेट पीपल ने उनको ओन uh, कर लिया है उनको खरीद लिया है इसकी वजह से क्या होता है आउटसोर्सिंग होती है आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है जब प्राइवेट पर्सन आते हैं तो प्राइवेट पर्सन का एक ही मोटिव होता है क्या मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो वो क्या करते हैं सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई एंटरप्राइज है तो देखेंगे हम इन फिफ्टी के ऊपर ही जो है लोड डालेंगे और ये जो है मतलब एक पर्सन दो, दो लोगों का काम करेगा तो इस तरीके से वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं वो ये देखते हैं हम इन हंड्रेड पीपल को सैलरी क्यों दें हम फिफ्टी को देंगे फिफ्टी को सैलरी दी उनने, 50 को क्या हो गया फिफ्टी पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए उनसे उनकी जॉब चली गई यानी कि हमको देखने को मिल रहा है दट देर इज लेस इनसिक्योर जॉब जो आपकी जॉब है वो बड़ी ही इनसिक्योर सी हो चुकी है प्राइवेटाइजेशन के आने से साथ ही साथ में आउटसोर्सिंग होती है आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारा काम जो है हम ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज में दे दें जहाँ पर लोग जो है खुद से ये काम को चाहे घर बैठे या कुछ छोटी छोटी जो है मतलब कंपनीज हैं बहुत छोटी छोटी जो कि ऐसे आउटसोर्सिंग करती हैं यानी कि जो है किसी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये जो कंपनी है जिसने सिर्फ 50 एम्प्लाइज को रखा और बाकी को हटा दिया तो कुछ काम जो है वो क्या करेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर लोगों को दे देंगे और वो कम पैसों में कम वेजेज में जो है उस काम को कंप्लीट करके कंपनी को देते हैं तो इस तरह से कंपनी के बहुत सारा पैसा भी बच जाता है और बहुत सारा टाइम भी बच जाता है क्योंकि यहां जहां पर आउटसोर्सिंग की गई है उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आप फटाफट जो है ये सारा काम करके दो तो इस तरीके से जो जॉब है उसकी इनसिक्योरिटी आ जाती है ग्रोथ ऑफ अर्बन मिडिल क्लास फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इन सारी चीजों के सेटअप होने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होने से जो है अर्बन मिडिल क्लास ग्रो करती है जैसे ग्लोबलाइजेशन uh, लिबरलाइजेशन होता है तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है ऐसा नहीं है कि सबके एम्प्लॉयमेंट से नहीं है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला भी जिसके पास नहीं था उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिल गया रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है तो जो है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होना स्टार्ट होती like है लाइक ट्रांसपोर्टेशन है कनेक्टिविटी है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई है इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है सर्विस सेक्टर वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं ये सर्विस सेक्टर ग्रो होता है तो अर्बन मिडिल क्लास भी ग्रो होती है तो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन से क्या हुआ पहली चीज तो आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में आप जो है ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जो है एक साथ रह रहे हो आप पूरा सिंगल मार्केट बन चुका है इजीली आप ट्रेड कर पा रहे हो हाँ, लेकिन इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट्स होते हैं ठीक है पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होंगे धन इसी के साथ साथ में नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होंगे पॉजिटिव क्या हो गए कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है डेवलपमेंट हो रहा है सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है नेगेटिव क्या हो गए कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट चले गए डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है आउटसोर्सिंग हो रही है आउटसोर्सिंग से इनसिक्योर जॉब्स हो चुके हैं तो ये सारी चीजें इसमें आपको अच्छे से समझना है अच्छे से पढ़ना है क्लियर है आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हमने इसमें स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर 1947 देखा एंड अब हम आफ्टर 1991 भी डिस्कस कर चुके हैं आई होप यहाँ तक किसी भी चीज में कोई भी डाउट नहीं होगा ठीक है कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अब एक और चीज देखो ना हाउ पीपल फाइंड जॉब्स अभी तक हमने इंडस्ट्रीज सोसाइटीज के बारे में जाना कि एक्जेक्टली वो कैसी होती हैं इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ एक्सेट्रा एक्सेकट्रा नाउ जो पीपल होते हैं उन्हें जॉब्स कैसे मिलती है इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उन्हें किस तरह से जॉब मिल जाती है कैसे वो इंडस्ट्रीज में एज अ वर्कर और एज अ मैनेजर वर्क कर रहे होते हैं तो इसके लिए भी ढेर सारे जो है मतलब एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक like, एडवर्टाइजमेंट्स आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जिसमें जो है जॉब ऑफर्स वगैरह होते हैं कि यहाँ पर जो है पर्सनल uh, की रिक्वायरमेंट है और ये जो है क्वालिफिकेशन हमको चाहिए हैं इस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी जो है रिक्रूटमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशंस यानी कि आप अपना बायोडेटा वहां पर सेंड कर दीजिए और जब भी जहां भी अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस जॉब होगी यानी कि वहां पर पीपल की रिक्वायरमेंट होगी पर्सनल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फिर आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर जो है जॉब रिक्वायर्ड है आप जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं देन कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारी जॉब जो होती हैं जैसे हमने देखा कि इंडिया में नाइन्टी जो है इनफॉर्मल सेक्टर है एंड यहाँ पर परसेंट जो जॉब्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होती है जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है मतलब कि जॉब हम प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है हमें वर्कर की रिक्वायरमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको रख लेते हैं कि आपको जो है इतने टाइम काम करना है आपको इतना पे किया जाएगा मे बी पर डे जो है मतलब आपको पर डे वेजेस पर रखा जा सकता है आपको सैलरी पर भी रखा जा सकता है सैलरी बहुत कम मिलती है मतलब कम इन देंस कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपको पर मंथ सैलरी मिले मोस्टली वो पर डे वेजेस या पर आवर ही होते हैं और इसमें में एक कंसेप्ट होता है जॉबर्स का जॉबर्स कौन होते हैं बेसिकली जैसे कि हमने कानपुर टेक्सटाइल मिल वगैरह के बारे में पढ़ा था कि वहां पर होते हैं जॉबर्स जिन्हें जो है मतलब उनका जो है मैनेजर uh, के साथ में जो टर्म्स होते हैं जो रिलेशनशिप होती है वो बड़ी ही अच्छी से होती है और जो भी मैनेजर होगा या जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा या जो भी हेड होता है जो भी बॉस होता है उनका बैकिंग होती है जॉबर को और वो क्या करता है वो खुद भी काम करता है वो खुद भी वर्कर होता है बट वो जो है लोगों को लेकर आता है काम करने के लिए फील्ड पर विजिट करता है बहुत बार हमने ये सारी चीज़ें भी पढ़ी कि विलेजेस में जो जॉबर होता है वो जाता है और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और बोलते हैं इस लोन के बदले में आपको जो है काम करना पड़ेगा इतने समय के लिए यहां पर आकर तो इस तरीके से जो है लोगों ने मतलब जो ब्रेक मेकिंग वगैरह होती हैं जगह होती हैं फील्ड्स होती हैं वहां पर जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से भी लोगों को जॉब मिलती है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें सो so मेनली जैसे जो टीचर्स होते हैं जो ट्यूटर्स होते हैं जहां कोचिंग वगैरह ले रहे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं लाइक प्लम्बर हो गया आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए ये सारे जो होते हैं इनकी जो जॉब्स होती है वो जनरली पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होती है जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो इलेक्ट्रीशियन है और उसका जब सपोज कोई कजन है वो भी इलेक्ट्रीशियन का सारा काम जानता है बट उसके पास में जॉब नहीं है तो वो जो पर्सन जो खुद में इलेक्ट्रीशियन है जिसके पास में जॉब है वो उसको अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट के थ्रू कहीं पर जो है जॉब दिलवा देगा तो इस तरीके से भी बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं बदली वर्कर्स बहुत बार क्या होता है कि जैसे वर्कर्स हैं अभी इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम चल रहा है मान लीजिए कुछ वर्कर्स हैं जस्ट सपोज हंड्रेड पीपल वर्क करते हैं और इन हंड्रेड से ही पूरी फैक्ट्री का काम जो है हो पाता है जस्ट सपोज टेन पीपल जो है या टेन वर्कर्स जो है वो छुट्टी पर चले जाते हैं मान लीजिए उनके घर में शादी है या कोई भी स्पेशल ओकेजन है कुछ भी रीजन है ठीक है अब वो छुट्टी पर चले गए तो ये जो टेन वर्कर्स है इनका काम कौन करेगा अगर ये छुट्टी पर चले गए तो, तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है बदली वर्कर्स को रख लेता है यानी ये जो टेन परसेंट छुट्टी पर गए हैं उतने दिन के लिए कुछ दूसरे वर्कर्स को हायर कर लेते हैं कि आप जो है इनका काम कर दीजिएगा तो पहली चीज इसमें जॉब इनसिक्योरिटी भी होती है और दूसरी चीज जो लोग बेरोजगार हैं जिनके पास में काम नहीं है उनको काम भी मिल जाता है तो बदली वर्कर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है बहुत सारे लोग जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं जैसे हमने इंडिया का डाटा पढ़ा कि कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कितने रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं कितने कैजुअल लेबर हैं इस तरीके से जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स हम समझ चुके हैं क्लियर है तो इस तरह से जो है पीपल को जॉब मिल जाती है ये सारे उसके रीजंस होते हैं अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेके आए हैं जैसे फॉर एग्जांपल मुद्रा है आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया ये सारी चीजों से क्या होगा कि जो भी वेज वर्कर्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अपना बहुत अच्छे से जो है मतलब उनको काम मिल सकता है इन सारी योजनाओं के थ्रू गवर्नमेंट आपको लोन्स भी प्रोवाइड करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ही अंदर एक योजना आई थी कि जितने भी जो आ, कार्ट वाले होते हैं जिनकी जो है मतलब बाहर ही रोड पर जिनकी शॉप्स लगी होती है उनको जो है गवर्नमेंट कुछ अमाउंट पे करेगी मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें ये जो सारी स्कीम्स होती हैं ये स्पेशली वैसे तो सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को हेल्प करती है बट स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हैं जैसे एस हो गए एस हो गए जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं जिनके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है तो उन्हें उनके लिए मेनली जो है ये स्कीम्स गवर्नमेंट स्टार्ट करती है क्लियर है ये भी नाउ हाउ इज वर्क समझ लिया कि जॉब मिल गई पर काम होगा कैसे तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक होल रेंज ऑफ वर्क सेटिंग है जहां पर बड़े से बड़े काम भी होते हैं जहां छोटे से छोटे काम भी होते हैं लाइक फॉर एक्जाम्पल जो लार्ज कंपनीज होती हैं वहां पर ऑटोमेटेड वर्क होता है यानी कि मशीन्स के थ्रू वर्क हो रहा है ऑटोमेटिक जो है मशीन्स हैं जिनके थ्रू सारा वर्क हो रहा है बड़ी बड़ी मशीन हैं क्लियर है ये हो रहा है आपके लार्ज कंपनीज में वहीं जो स्मॉल कंपनीज हैं वो होम बेस्ड वर्क के ऊपर जो है पूरी तरह से आ, ऐसे बोल सकते हैं कि उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो यानी कि एक पूरा होल रेंज है वर्क सेटिंग को लेके अब जनरली जो बेसिक टास्क क्या है मैनेजर का हमको काम करवाना है हम क्या बात कर रहे हैं कि हाउ इज वर्क कैरीड आउट तो वर्क जो है बड़े से बड़ा ऑटोमेटिक के थ्रू काम भी होता है छोटे से छोटा जो कि काम मतलब बाय हैंड थ्रू होने वाला है तो वो काम भी यहाँ पर होता है अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की या फैक्ट्रीज की तो जहां पर जो मैनेजमेंट है उसमें जो मैनेजर है उसका मेन टास्क क्या है उसका टास्क है वर्कर्स को कंट्रोल करना और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाना जब ज्यादा से ज्यादा काम होगा तभी जो टारगेट्स हैं आप उसको अचीव कर सकते हो और तभी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो तो बेसिक टास्क क्या है मैनेजर का कंट्रोल करके रखना वर्कर्स को और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाना पर अब ऐसा कैसे करवाएंगे तो उसके लिए उन्होंने टू वेज वेज बताए बताए हैं हैं क्या सबसे पहला या तो आप जो वर्किंग आवर्स हैं उनको एक्सटेंड कर दो यानी कि जस्ट सपोज अभी जो वर्कर है वो फाइव आवर्स काम करता है तो आप उसके वर्किंग आवर्स टेन आवर्स कर दो तो वो ज्यादा काम करेगा या फिर जस्ट सपोज वो अभी फाइव आवर्स में जस्ट सपोज टेन प्रोडक्ट्स बनाता है तो आप क्या करो इंक्रीज प्रोडक्शन अमाउंट विद इन द गिवन टाइम आप उतने ही आवर्स में उसका जो प्रोडक्शन अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दो जब सपोज अभी वो टेन प्रोडक्ट्स बनाता है तो आप बोलो कि आपको फाइव आवर्स में ही ट्वेंटी तो क्या होगा आप उनसे ज्यादा ज्यादा से जादा काम करवा सकते हो और कंपनी को या इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है अब ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है इंडस्ट्रीज में सारा जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है सो इट इज मैके प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन थ्रू मशीन्स क्लियर है ऐसे ही होता है ये सारी चीजें यहाँ पर तो जो मार्क्स हैं और जो महात्मा गांधी हैं वो इस मेकेशन को लेके जो है मतलब बहुत ही चिंतित होते हैं वो ये बोलते हैं कि मशीन्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं ठीक है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है मशीन्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड जो है हम उसको फुलफिल कर पाएंगे हम सप्लाई जो है वो कर पाएंगे हम सेल्फ सफिशियंट बन पाएंगे तो इंडस्ट्रीज ओके हैं इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो ओके बट देयर इज अ डेंजर ऑफ इंडस्ट्रीज और मशीन्स रिप्लेसिंग वर्कर्स यानी कि जहां एक तरफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है क्या कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स कि मशीन्स एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट ये दोनों क्या बोलते हैं कि मशीन्स मशीन्स को वो ऐसे देखते हैं दैट दीज आर एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट क्लियर है अब ऐसा वो क्यों बोलते हैं ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन भले ही बढ़ जाए लेकिन वो मशीन्स क्या करेंगी एक दिन जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर देंगी और जो मतलब जो काम पीपल खुद से कर रहे हैं उस काम को मशीन्स करने लग जाएंगी तो उनसे उनका एम्प्लॉयमेंट छिन जाएगा क्लियर है तो इस तरह से कालमार्क्स और महात्मा गांधी मेकेनाइजेशन को क्या करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए देन अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट अब हमको ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो एक और इसके लिए दूसरा तरीका भी जो है बताया गया है वो क्या है ऑर्गेनाइजिंग वर्क जब आप वर्क को ऑर्गेनाइज कर देते हो तब भी आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है अर्न कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगा ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स आप फुलफिल कर पाओगे यानी कि आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो अब जो वर्क कैरी आउट हो रहा है उसको आप ऑर्गेनाइज कर दो और इसके लिए टेलरिज्म या टेलर ने अपनी एक थ्योरी दी है जिसको टेलरिज्म भी कहा जाता है अब क्या है ये थ्योरी इसे हम समझते हैं So, देखो एफ डब्ल्यू टेलर और फ्रेडरिक विंसलो टेलर एन नाइनटीज में एक थ्योरी देते हैं दैट इज थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसको टेलरिज्म भी कहा जाता है और टेलरिज्म के साथ साथ में इसको क्या कहा जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या इन शॉर्ट या इन कॉमन लैंग्वेज जो हम जानते हैं दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी इसमें वो ये बताते हैं कि कैसे आपको जो है साइंटिफिकली पूरा सारा वर्क जो है उसको मैनेज करके रखना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जो है आउटपुट अर्न कर सकते हो आउटपुट का मतलब क्या है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है दैट इज कि आप कितना आउटपुट ले रहे मतलब जो है बना रहे हो कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो वर्क इज डिवाइडेड इट्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे पहले क्या करो काम को डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एक काम करने में ये इतना पूरा प्रोसेस लगता है तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो आप इस प्रोसेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो सपोज ए बी सी डी ई ये फाइव पार्ट्स में आपने वर्क को डिवाइड कर दिया और जब ये फाइव पार्ट्स कंप्लीट होंगे तब आपका एक प्रोडक्ट बन पाएगा तो वर्क को डिवाइड करने से क्या होगा लेबर को भी डिवाइड करना है ठीक है आपने वर्क को डिवाइड किया अब लेबर को डिवाइड कर दो जस्ट सपोज ये पूरा एक प्रोसेस को जो है कंप्लीट करने में आपके हंड्रेड लेबर्स तो को दिया ट्वेंटी लेबर ये वाला काम करेंगे ट्वेंटी लेबर ये वाला काम करेंगे और सबके काम सेपरेट होंगे कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा तो वर्क भी डिवाइड हो गया और साथ ही साथ में लेबर भी डिवाइड हो गए नाउ वर्कर्स

ड है आपको किसी और का काम नहीं करना आपको सिर्फ अपना काम करना है और वो एक ही प्रोसेस आपको करना है क्लियर है वो आपने किया और आपको टाइम लिमिट दे दिया है आपको इतने टाइम में इतना काम करके देना है जब सभी वर्कर्स इस तरह से काम करेंगे तो वर्क क्या होगा ऑर्गेनाइज हो जाएगा जब वर्क ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो वो इजिल और टाइमली मैनर में होगा जैसे मैंने इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया था प्रोजेक्ट का कि जैसे सपोज आपको कोई स्कूल में टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है और वो ग्रुप प्रोजेक्ट है तो आप क्या करोगे सभी स्टूडेंट्स उसको साथ में मिलकर बनाओगे पर अगर सभी जो है मतलब उस वर्क को डिवाइड ना करो सब मिल बस एक ही काम में लग जाओ पहले ये वाला स्टेप करना है फिर ये वाला स्टेप करना है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन जब सपोज आप उस टास्क को डिवाइड कर लेते हो उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर लेते हो डिवाइड कर लेते हो जैसे फॉर एक्जाम्पल कोई दो स्टूडेंट्स हैं जो कि राइटिंग वर्क करेंगे कोई दो स्टूडेंट्स हैं जो डिजाइनिंग वर्क करेंगे कोई दो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च वर्क करेंगे तो क्या होगा काम जल्दी हो जाएगा भाई सेम प्रोसेस यहां पर बताया किसने एफडब्ल्यू टेलर ने प्रोडक्शन स्पीडेड अप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली लाइन अब जैसे जैसे असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस होती है तो प्रोडक्शन क्या होता है स्पीड अप हो है यानी प्रोडक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ जा रहा है असेंबली लाइन जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत सारे ऐसे तो टीवी एड्स में भी दिखाने लगे हैं किस तरीके होता है तो जैसे सारा जो एक ऐसे लाइन होती है जिस पर से सारे प्रोडक्ट जो है आ रहे हैं फिर उसकी पैकेजिंग होती रहती है तो होता क्या है जितनी तेजी से असेंबली लाइन चल रही है जितनी तेजी से मशीन्स काम कर रही हैं उतनी ही तेजी से जो वहां पर ह्यूमन एम्प्लॉयड हैं जो पर्सनल एम्प्लॉयड हैं उन्हें भी काम करना होता है यानी वर्कर्स को भी उतनी ही तेजी से काम करना होता है अब जैसे इसमें हमने देखा था कि जो एक कार का एग्जाम्पल हमने लिया था कि वो जो असेंबली लाइन है उसमें से दो कार रोल होकर आती है हर एक मिनट में तो उस हर एक मिनट में उन दो कार को रोल होकर आने में जो वर्कर वहां पर एम्प्लॉयड है उसे उतनी ही तेजी से काम करना होता है जैसे हमने यहाँ पर देखा कि वर्क जो होता है उसको जो सॉरी जो टाइम होता है कैसे उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको जो है ट्वेंटी मिनट्स का लंच टाइम मिलेगा आपको सेवन पॉइंट फाइव मिनट के दो टी ब्रेक्स मिलेंगे आपको फाइव मिनट का लेजर टाइम मिलेगा तो इस तरीके से सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है और इस मैनेजमेंट के थ्रू क्या होगा कि आप जो आउटपुट है उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दिया कि आप कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो अब अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर किसकी कि सर्विस सेक्टर में काम कैसे होता है तो सर्विस सेक्टर जिसे नॉलेज इकोनॉमी भी कहा जाता है तो सर्विस सेक्टर ज्यादा बेनिफिशियल है या जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है इस तरीके का एक कंपेरिजन बनाना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है बट इंडस्ट्रियल जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस सेक्टर जिसे हम नॉलेज इकोनमी बोलते हैं और यहां पर जो काम होता है जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था कि जो बैंगलोर वगैरह हैदराबाद पुणे ये जो सिटीज हैं यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर हैं जो ऑफिसेज हैं जब वो ओपन होते हैं तभी टी शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं क्योंकि सारा कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है क्लियर है तो यहाँ

ठीक है वर्स्ट वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहां पर उनकी हेल्थ को ज्यादा रिस्क है तो बहुत ही वर्स्ट वर्किंग कंडीशन में जो पीपल है वो काम कर रहे हैं आ, मशीन वो खुद भी मशीन ही बन जाते हैं मशीन की तरह काम करते करते वो खुद भी मशीन बन जाते हैं और वो क्या करते हैं वॉल्ट्री ले रिटायरमेंट ले लेते हैं क्यों ले, ले लेते हैं क्योंकि रिटायरमेंट की एज तक

आपको अस्थमा हो सकता है तो इस तरीके की बहुत ही वर्स्ट वर्किंग कंडीशन में जो वर्कर्स होते हैं वो काम कर रहे हैं अब इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज लेके आती है जिसमें कि जो है आप वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सको आप जो है उन्हें अदर बेनिफिट्स दे सको लाइक फॉर एग्जांपल हमने फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है आगे पढ़ेंगे और भी इन सारी चीज़ों के बारे में कि वहां पर जो वर्किंग डे होता है आपका उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है डिक्रीज कर दिया जाता है टेन आवर्स से ताकि आप इजिली काम कर सको आपके लिए आपका अपना फ्री टाइम भी हो सके तो बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन आते रहते हैं देन होम बेस्ड वर्क हमने देखा कि बहुत सारे वर्क होते हैं जो होम बेस्ड होते हैं जिसमें हमने बिड़ी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देखा कि वुमेन और चिल्ड्रेन मेनली जो होते हैं होम बेस्ड वर्क कर रहे होते हैं और इसमें हमने एग्जाम्पल देखा

ना प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं ना प्रॉपर उनके पास में किसी तरीके की कोई राइट्स होते हैं तो क्या होता है वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं जब वर्कर्स बहुत हार्श वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं उसके लिए ना ही उन्हें वेजेस मिल रहे हैं ना ही उनको जो है बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम दिया जा रहा है ना ही कोई लीव दी जा रही होती है ना ही प्रॉपर सैनिटेशन है हेल्थ रिस्क है और इन सारी चीज़ों में मैनेजमेंट कोई चेंजेस भी नहीं ला रहा होता है तब वर्कर्स करते हैं स्ट्राइक ठीक है स्ट्राइक मतलब कि हम जो है अब काम नहीं करेंगे काम बंद कर देते हैं और जो है मतलब धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं या तो जो भी इंडस्ट्री है फैक्ट्री है जो भी उनका एंटरप्राइज है उसके बाहर या काम पर नहीं आते हैं इसके रिस्पॉन्स में जो मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट क्या करता है मैनेजमेंट लॉकआउट करता है लॉकआउट का मतलब क्या कि जो इंडस्ट्री होगी जो भी एंटरप्राइज होगा उसके गेट क्लोज कर देता है गेट क्लोज कर देता है ताकि कोई भी वर्कर अंदर ना आ पाए क्यों क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक uh, कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अभी अग्रेसिव हैं हो सकता है वो किसी भी तरीके से हमें कोई नुकसान पहुंचा दे तो वो क्या करते हैं लॉकआउट कर देते हैं गेट वगैरह क्लोज कर देते हैं और वर्कर्स को अंदर नहीं आने देते और जो वर्कर्स स्ट्राइक करने गए हैं उनकी जगह पर दूसरे लेबर लेके आ जाते हैं दैट इज सब्सटीट्यूट लेबर जैसे हमने बदली वर्कर्स पढ़े थे उनकी जगह दूसरे लेबर लेके आ जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं तो इस तरह से स्ट्राइक करना वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्यों क्योंकि पहली चीज तो जॉब की इनसिक्योरिटी है हो सकता है उनकी जॉब चली जाए दूसरी चीज जब तक वो स्ट्राइक करेंगे तो उनको वेजेस नहीं मिलेंगे उन्हें वेजेस नहीं मिलेंगे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपने घर में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे तो इसीलिए स्ट्राइक इस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और वैसे ही हार्ज वर्किंग कंडीशन बनी रहती है धीरे धीरे फिर डिमांड्स आती हैं कि ट्रेड यूनियंस फॉर्म होनी चाहिए तो अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे मतलब स्ट्रगल के बाद में फाइनली क्या होता है कि ट्रेड यूनियंस फॉर्म होती हैं। अब जैसे हम एक स्ट्राइक के बारे में यहां पर डिस्कस करें तो जो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी 1982 में इसके लीडर कौन थे डॉक्टर दत्ता सामंत ये स्ट्राइक दो साल तक चलती है 1982 में स्टार्ट होती है दो साल तक चलती है और ये किस लिए रहती है बेटर वेजेस के लिए और ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने के लिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनको बहुत अच्छे वेजेस मिले और साथ ही साथ में वो ट्रेड ट्रेड यूनियंस यूनियंस को फॉर्म कर क्या करेंगी उनके राइट्स के लिए फाइट करेंगी वर्कर्स के जो राइट्स होंगे उनके लिए फाइट करेगी उनके जो डिमांड्स होंगी उसको रेस करेगी तो इस इन सारी डिमांड्स के लिए क्या होता है कि बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक होती है जो बॉम्बे टेक्सटाइल मिल है उसमें स्ट्राइक करते हैं वर्कर्स मिलियंस ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज पार्टिसिटेड क्या होता है कि मिलियंस ऑफ वर्कर्स और उनकी फैमिलीज जो होती है इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करती है कि उन्हें अच्छी वेजेस मिलना चाहिए ट्रेड यूनियन फार्म होनी चाहिए लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से रिफ्यूज कर देती है डिमांड्स को एंटरटेन करने के लिए ठीक है गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे हम ना ही वेजेस रेस करेंगे हम ना ही ट्रेड यूनियन फॉर्म होने देंगे नहीं तो अगर ट्रेड यूनियन भी फॉर्म हो गई तो ये लोग और ज्यादा स्ट्राइक कर देंगे तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड्स मानने से से मना कर देती है स्ट्राइक खत्म होती है क्योंकि दो साल हो जाते हैं वर्कर्स काम पर नहीं जाते हैं तो काम भी बंद रहता है और दूसरी तरफ जो जिन वर्कर्स ने स्ट्राइक किया है उन्हें किसी तरीके की कोई वेजेस भी नहीं मिलते हैं तो इसीलिए जो है ये स्ट्राइक को बंद कर दिया जाता है एंड इस स्ट्राइक में करीब वन लाख जो वर्कर्स हैं जो लेबर्स हैं वो जॉब लॉस्ट कर देते हैं और वापस से जो है अपने गाँव वगैरह चले जाते हैं कैजुअल लेबर की तरह काम करने लग जाते हैं क्लियर है तो कुछ इस तरीके से जो है स्ट्राइक्स वगैरह पूरी चलती हैं बट धीरे धीरे होता ये है कि गवर्नमेंट थोड़े से चेंजेस लेके आती है वो ये बोलती है कि अगर जो है जैसे बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है इस एक्ट के थ्रू वो ये बोलते हैं कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो लेकिन एक ट्रेड यूनियन अप्रूव तभी होगी जब वो ये अपने आप को मतलब जब वो इस चीज को माने कि हम स्ट्राइक्स नहीं करेंगे पहले तो ट्रेड यूनियन का रजिस्टर होना जरूरी है और कोई भी ट्रेड यूनियन तभी अप्रूव होगी जब वो ये बोले कि हम कभी भी कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे तो जो कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है वो सबसे पहली ऐसी यूनियन थी ट्रेड यूनियन थी जो कि अप्रूव्ड होती है और वो बहुत सारी स्ट्राइक्स को बंद करने में भी हेल्प करती है कि स्ट्राइक्स को खत्म करो हम आपके राइट्स के लिए फाइट करेंगे फिर फोर्थ फैक्ट्रीज आता है एक्ट आता है इस तरीके से ये सारी स्ट्राइक्स यूनियन जो है इस तरह से वर्क करती हैं और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी ट्रेड यूनियंस फॉर्म हो जाती हैं जो कि अप्रूव होती हैं और जो आइडिया ऑफ स्ट्राइक्स को गिवअप कर देती हैं क्लियर है आई यहां तक समझ में आई होप यहां तक किसी भी चीज में कोई भी डाउट नहीं होगा सो so फाइनली आपका चैप्टर नंबर फाइव जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने इंडस्ट्रीज कैसी होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी होती है इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन स्ट्राइक्स यूनियंस वर्क कैसे किया जाता है वर्क कैरी आउट कैसे होता है ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली अब अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो यानी कि चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है एक बार रिविजन भी कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो चुका है यह फास्ट ट्रैक रिविजन भी हो गया जिसमें आप फटाफट अपने सभी डाउट को रिकॉल कर सकते हैं अब कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल जो है बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अब एक और काम और करना है आपको कि आपको अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव को ये बताना है कि मैग्नेट ब्रेन ने जो है हिंदी मीडियम चैनल भी स्टार्ट कर दिया है दैट इज मैग्नेट ब्रेन हिंदी ठीक है और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्लासेस के जो है बुक वाइज कोर्स वाइज जो भी लेक्चर्स हैं वो हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे तो जिससे भी इसकी ज़रूरत है उन्हें प्लीज बताइए उनसे कहिए कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में आपकी सुविधा के लिए जितने भी सारे वीडियोज हैं वो सभी मैग्नेट बीन्स की वेबसाइट पर दैट इज डब्बू डब्ल्यू और मैग्नेट बीन्स की ऐप पर ठीक है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी उसमें सीक्वेंस वाइज कर दिए हैं यानी क्लास वाइज चैप्टर वाइज बुक वाइज और जितने भी राइटर वाइज ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से वाइज फॉर्म में वेबसाइट पर मिल जाएगी तो ईजिली अपनी पढ़ाई करिए किसी भी चीज की कोई आपको नहीं होने वाली है और अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच